आज हम इस वीडियो के माध्यम से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको ब्रांच टैब पर क्लिक करना है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेक्शन में जाना है। जैसे आप इसमें जाएंगे तो आप यहां पर ब्रांच की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं और स्टाफ की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। ब्रांच की परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको ब्रांच परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप स्क्रीन पर देखेंगे कि पूरे क्लस्टर के जो भी नंबर ऑफ ब्रांचेज है उन सबकी यहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताई गई है। इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखने के लिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ओल्ड स्टेट में कलेक्शन को 100% वेटेज दिया गया है। न्यू स्टेट डिसबर्सिंग ब्रांच में 90% कलेक्शन को वेटेज दिया गया है और 10% एफटीसी को वेटेज दिया गया है। और न्यू स्टेट नॉन डिसबर्सिंग में 100% वेटेज कलेक्शन को ही दिया गया है। अब यहाँ आप देखेंगे क्लस्टर वाइज एवरेज स्कोर। यहाँ पर जो क्लस्टर्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ ब्रांचेज है उनके एवरेज स्कोर के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पर ग्रेड भी देख सकते हैं इन क्लस्टर्स की, ए बी सी डी ई। यहाँ पर विशेष बात यह ध्यान रखने की है जो डी और ई ग्रेड में जो ब्रांचेज या क्लस्टर हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की हम बात करेंगे। वो कुछ इस प्रकार है कि यदि न्यू स्टेट डिस्पर्सन ब्रांच में कलेक्शन 50% से कम होती है तो वह ब्रांच क्वारंटाइन कैटेगरी में आएगी, और नॉन डिसबर्समेंट ब्रांच में कलेक्शन 40% से कम होती है तो वह क्वारंटाइन कैटेगरी में आएगी। और ओल्ड स्टेट के केस में यदि कलेक्शन 25% से कम है तो वह ब्रांच क्वारंटाइन कैटेगरी में आएगी। ये हमारे अगस्त से रिलेटेड जो क्राइटेरियाज हैं हमने उसके बारे में आपको बताया है। जुलाई मंथ का जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया था न्यू स्टेट्स के लिए वो यह था कि यदि कोई भी ब्रांच 40% से कम कलेक्शन करती है तो वो क्वारंटाइन कैटेगरी में जाएगी, और ओल्ड स्टेट में कोई भी ब्रांच 20% से कम कलेक्शन करती है तो वह ब्रांच क्वारंटाइन कैटेगरी में जाएगी। इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के तहत जिन भी ब्रांचेज ने कलेक्शन टारगेट कम अचीव किया है उन सभी ब्रांचेज को वार्निंग लेटर इशू किए जा चुके हैं। अब हम स्टाफ के परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं, देखते हैं। इसके लिए आपको स्टाफ परफॉर्मेंस पर क्लिक करना होगा। अब हम स्टाफ के परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। क्वारंटाइन आरओ उसे कहा जाएगा जो एवरेज डेली कलेक्शन 10,000 से भी कम करता है, वो क्वारंटाइन कैटेगरी में आएंगे। और ओल्ड स्टेट में जिस भी रिलेशनशिप ऑफिसर यानी कि आरओ ने एवरेज कलेक्शन 8,000 से कम किया है तो वह क्वारंटाइन कैटेगरी में आएंगे। कोरोना आरओ हम उसे कहेंगे जो एवरेज डेली कलेक्शन 3,000 से कम करता है उसे कोरोना आरओ कहेंगे। और ओल्ड स्टेट में भी जो कलेक्शन 3,000 से कम करता है वह कोरोना आरओ कहलाएगा। इस स्थिति में भी हमने जिस कर्मचारी ने भी अपने कलेक्शन क्राइटेरिया से भी कम कलेक्शन किया है उन्हें वार्निंग लेटर इशू किया गया है। जुलाई मंथ में खराब प्रदर्शन के कारण हमने 26 कर्मचारियों को आस्क टू लीव कहा गया है यानी कंपनी छोड़ने के लिए कहा गया है, और 242 कर्मचारियों को वार्निंग लेटर इशू किया गया है। अब हम आपको वार्निंग लेटर जो इशू किए गए हैं कर्मचारियों को उसका पाथ बताएंगे। उसके लिए आपको कैपिटल सेल्स ऐप में HRMS टैब पर क्लिक करना है, फिर एम्प्लॉय कम्युनिकेशन पर क्लिक करना है, फिर PIP नोटिस पर क्लिक करके PIP फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आप यहां पर वो वार्निंग लेटर देख पाएंगे। हम सभी आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि आप सभी लोग अपने करियर को ध्यान में रखते हुए अच्छे परफॉर्मेंस देवें।
ताकि आपको वार्निंग लेटर इशू ना हो और अपनी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।